स्वागत है द न्यूट्रिकल चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और ये है हमारी सबसे पॉपुलर लिस्ट टॉप 5 फोन्स जिनको आप ले सकते हैं 10 से 15 हजार रुपए के बजट में इस महीने। ये हमारी सबसे पॉपुलर लिस्ट है जिसमें सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है कि कौन सा फोन लेना चाहिए, कौन सा फोन हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे फोन्स की टेस्टिंग करने के बाद बताऊंगी कि आपके लिए बेस्ट फोन कौन से हैं जिनके लिए आप जा सकते हैं इस बजट में। सो फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट करे। साथ ही आप इस चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब, और साथ ही अगर आपको नोटिफिकेशन प्रॉब्लम आ रहा है मेरे चैनल का, मेरे वीडियोस का, तो आप एक काम कर सकते हैं कि चैनल को दोबारा से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें। उससे आपको दोबारा नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे और जब भी मैं ऐसे तगड़े तगड़े वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी तो वो वीडियो आपके मिस नहीं होंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। लवर्स के लिए, सैमसंग फैंस के लिए आता है इस बजट में हमारे पास सैमसंग का M21। सबसे पहले तो डिवाइस के अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 6.4 इंच का, वो भी हमारा फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ। डिस्प्ले आपको बहुत ही ब्राइट और कलरफुल लगेगा, सनलाइट परफॉर्मेंस डिवाइस के डिस्प्ले की हमारी अच्छी निकल के आती है, मूवीज वीडियोस का बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। इसके साथ हमारे पास 6000 mAh की बड़ी बैटरी है और 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है आपको। 6000 mAh की बैटरी में आपको वन डे का बैटरी बैकअप तो आराम से मिल जाएगा, जितना मर्जी डिवाइस को आप यूज करो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हालांकि चार्ज करने में टाइम आपको काफी लगेगा क्योंकि 6000 mAh को अगर हम 15 वॉट से चार्ज करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा देर लगती है। इसके अलावा अगर हमारे प्रोसेसर की मैं बात करूं तो Exynos 9611 का हमारा प्रोसेसर है, जो कि ज्यादा बढ़िया प्रोसेसर मैं इसको नहीं कहूंगी, मतलब एक्चुअल में तो हम देखें तो छोटा पुराना प्रोसेसर है। आपकी नॉर्मली डे टू डे वर्किंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मल्टीटास्किंग आप इसमें छोटी मोटी आराम से कर सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं, हैवी गेम्स करें या फिर ग्राफिक्स को बढ़ा के खेलते हैं तो वहां पे आपको इसके अंदर फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है और डिवाइस थोड़ा सा हमारा हीट कर जाता है थोड़ी ही सी देर में ही। इसके अलावा अगर मैं डिवाइस के कैमरास की बात करूं तो 48+8+5 का ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसके अंदर वाइड एंगल मिलता है आपको, डेप्थ सेंसर मिलता है और 32 का सेल्फी कैमरा मिलता है। पिक्स आप देख सकते हैं फ्रंट एंड बैक दोनों की ही आपको कलर्स अच्छे मिलते हैं, नेचुरल की साइड है हमारे और अच्छी डिटेलिंग और फोकसिंग के साथ आपको यहाँ पे पिक्स यहाँ पे मिल जाती है। इसके साथ डिवाइस के अंदर आपको प्लास्टिक बॉडी मिल जाती है जिसके अंदर आपको सिंगल कलर मिलता है, मतलब हाथ में होल्ड करने में डिवाइस आपको प्रीमियम नहीं लगता, वो अलग चीज है कि आपको प्लास्टिक फील मिल रही है, लेकिन डिवाइस के ऊपर आपके स्क्रैचेस और फिंगरप्रिंट्स बहुत सारे उभर उभर के नजर आएंगे क्योंकि सिंगल ब्लैक कलर में मेरे पास जो ये कलर है और कवर लगा के यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। इस डिवाइस के प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 4GB 64GB वेरिएंट आपको 12,500 रुपए के प्राइस में मिल जाता है। और इसके अलावा एक और चीज मैं क्लियर कर दूं कि डिवाइस के अंदर आपको जो सैमसंग डिवाइसेस में सिक्योरिटी मिलती है वो आपको इस डिवाइस में नहीं मिलती है, वो एक्चुअल में ए सीरीज के अंदर आपको मिलती है नॉक सिक्योरिटी। तो इस डिवाइस के अंदर आपको कोई डाटा सिक्योरिटी नहीं मिलती है। अब इसके बाद आता है नंबर 4th पोजीशन पे हमारे पास Redmi की तरफ से एक लेटेस्ट डिवाइस जो कि है हमारा Redmi का Note 10। इस डिवाइस के अंदर आपको मिलता है 6.43 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, उसके साथ स्नैपड्रैगन का हमारा मिल जाता है 678 प्रोसेसर, साथ ही 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग। डिवाइस के अंदर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो मिल रहा है इस बजट के अंदर उसके आपको बहुत ही बढ़िया ब्राइट कलर्स और वाइब्रेंट स्क्रीन मिलेगी एकदम, मतलब सनलाइट में भी यूज करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही आपको बैटरी बैकअप भी वन डे का आराम से मिल जाता है नॉर्मल टू हैवी यूजेज में, और डिवाइस आपका आराम से चार्ज भी हो जाएगा फटाफट से। इसके अलावा प्रोसेसर जो है वो हमारा इतना पावरफुल नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से 12,000 रुपए के प्राइस में जो ये डिवाइस आपको मिलता है उसमें तो ये वर्थ है, लेकिन इससे ऊपर जो 14,000 रुपए के प्राइस में ये डिवाइस आपको मिलता है जो दूसरा वेरिएंट है, क्योंकि उस प्राइस के अंदर सेगमेंट हमारे चेंज हो जाता है और उसके हिसाब से प्रोसेसर हमारा थोड़ा छोटा है। इसके अलावा डिवाइस के अंदर आपको कोई काम करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको UFS 2.2 की स्टोरेज मिल जाती है जो कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस देती है, नॉर्मली वर्किंग सारी आपकी अच्छे से चलेगी, इसके अंदर छोटी मोटी गेम भी आप आराम से खेल सकते हैं। इसके अलावा आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं जिसके अंदर आपको ऑडियो आउटपुट भी बहुत ही कमाल का मिल जाता है, तो यहाँ पे तो सब कुछ हमारा बढ़िया हो गया। इसके अलावा आपको कैमरा सेटअप की अगर बात करूँ तो 48+8+2+2 का क्वाड कैमरा सेटअप है और 13 MP का हमारा सेल्फी कैमरा है। सेल्फी कैमरा की पिक्स आपको ओके लगेंगी यहाँ पे बजट के हिसाब से, और बैक कैमरे की पिक्स भी आप सैंपल देख सकते हैं कि आपको डिटेलिंग जो है वो ओके मिल जाती है, आपको बुके मोड में एज डिटेक्शन काफी ठीक मिल जाता है, मैक्रो शॉट अच्छा नहीं है इसके कैमरे का, लेकिन 48 MP वाले की पिक भी हमारी सही निकल के आई है। ओवरऑल देखा जाए तो 12,000 रुपए के हिसाब से डिवाइस हमारा वर्थ है, और मेरे हिसाब से अगर खरीदना हो तो 12 वाला ही खरीदें, 14 वाले के लिए ना जाए, उसके अलावा आपको और डिवाइसेस मिल जाते हैं।
अब नेक्स्ट हमारे नंबर थर्ड पोजीशन पर आता है टाई। दो डिवाइसेस आते हैं हमारे पास, जिसमें से जो पहला डिवाइस है वो है हमारा रियलमी की तरफ से रियलमी 7, जिसके की सबसे पहले अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसका 6GB 64GB वाला वेरियंट जो है हमारा वो 13,500 रुपए के प्राइस में आपको मिल जाता है। इस डिवाइस के अंदर आपको मीडियाटेक का हीलियस G95 प्रोसेसर मिलता है, जो कि हमारा काफी अच्छा तगड़ा प्रोसेसर है। आपको गेमिंग परफॉर्मेंस डिवाइस में अच्छी मिलती है, नॉर्मली कोई भी काम करेंगे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े हैवी एप्स भी अगर चलाते हैं तो आपको इस डिवाइस के अंदर काफी सही परफॉर्मेंस मिल जाती है। 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आपको गेम खेलने में काफी मजा आएगा डिवाइस के अंदर। साथ ही 5000mAh की बैटरी है, ज्यादा गेमिंग करते हैं तो भी बैटरी आपकी बची रहती है, मतलब पूरा दिन आप आराम से यूज कर सकते हैं डिवाइस को बिना किसी टेंशन के हैवी यूज में भी। इसके साथ 30 वॉट की आपको फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। साथ ही 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है हमारा। एमोलेड डिस्प्ले नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आपको काफी ठीक ब्राइटनेस और कलर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा 64+8+2+2 का क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसके अंदर आपको काफी अच्छी क्वालिटी मिलती है 64 वाले के अंदर। वाइड एंगल में आप अपनी बढ़िया पिक्स ले सकते हैं। मैक्रो शॉट हमारा अच्छा नहीं है 2 मेगापिक्सल का, लेकिन बुके मोड के अंदर आपको अच्छे बैकग्राउंड ब्लरिंग के साथ यहाँ पे पिक्स मिल जाती है। और सेल्फी कैमरा के अंदर भी आपको स्किन टोन अच्छे से मेंटेन करता है कैमरा, अच्छे कलर्स आते हैं हमारे, तो आप बढ़िया सेल्फीज भी अपनी इस डिवाइस से ले सकते हैं। डिवाइस के अंदर कमी यहाँ पे आ जाती है कि आपको प्लास्टिक बॉडी मिलती है तो आपको प्रीमियम नहीं लगेगा हाथ में होल्ड करने में, डिवाइस सॉलिड नहीं लगेगा। लेकिन वैसे देखा जाए तो आपको डिवाइस जो है देखने में काफी ठीक लगता है मैट फिनिश के साथ, और 13,500 रुपए के प्राइस में मिल जाता है आपको 6GB 64GB वाला वेरियंट। अब इसके बाद नंबर थर्ड पोजिशन पे जो हमारा दूसरा डिवाइस है वो है हमारा पोको की तरफ से पोको X2, जिसके अंदर आपको प्रीमियम ग्लास बॉडी मिलती है और डिवाइस हाथ में होल्ड करने में आपको एकदम प्रीमियम फील देता है। ऊपर से आपको आयर ब्लास्टर भी मिल जाता है, तो डिवाइस को एज अ रिमोट कंट्रोल भी आप यूज कर सकते हैं। मतलब लुक वाइज डिजाइन वाइज तो काफी स्टाइलिश प्रीमियम फोन है ये हमारा, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन का 730G प्रोसेसर मिलता है। प्रोसेसर हमारा ये अच्छा है, बस थोड़ा सा इसमें हीटिंग के इश्यू आता है, लेकिन अगर आप ज्यादा देर की गेमिंग करते हैं तो आता है, वैसे नॉर्मली यूज करने में आपको कोई ऐसे हीटिंग प्रॉब्लम फील नहीं होगा। उसके अलावा आपको 4,500mAh की इसके अंदर बैटरी मिल जाती है, 27W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, 6.67 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ। आप गेमिंग करेंगे, कोई भी काम करते हैं, डिवाइस के अंदर सारी वर्किंग आपकी आराम से होगी, स्मूथ होगी। उसके साथ बैटरी बैकअप भी आपको 1 डे का नॉर्मल यूजेज में मिल ही जाता है। 120Hz के रिफ्रेश रेट पे सेट करने पे थोड़ा सा कम हो जाता है बैटरी बैकअप, लेकिन नॉर्मल यूजेज में 1 डे निकाल ही देता है। इसके अलावा आपको डिवाइस के अंदर 64+8+2+2 का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है बैक में, जिसके अंदर आपके डेप्थ सेंसर में अच्छी पिक्स आती है, वाइड एंगल में अच्छी पिक्स आती है। 64 वाले के अंदर आपको इमेज प्रोसेसिंग अच्छी मिलती है, जिसकी वजह से अच्छी डिटेलिंग वाले शॉट मिल जाते हैं, और मैक्रो शॉट तो अच्छा नहीं है हमारा। इसके अलावा आपको जो सेल्फी कैमरा मिलता है 20+2 मेगापिक्सल का, उसके अंदर आपको बुके मोड के अंदर काफी अच्छी डिटेलिंग यहाँ पे देखने को मिलती है अपनी सेल्फीज में भी, और उसके साथ आपको स्किन टोन को अच्छे से मेंटेन करता है कैमरा, और उसके साथ आप अपने बुके मोड के अंदर भी काफी क्रिस्प शॉट ले सकते हैं इसके सेल्फी कैमरा से भी। इस डिवाइस के अगर प्राइस की मैं बात करूं तो 6GB 64GB वाला वेरिएंट आपको 15,000 रुपए के प्राइस में मिल जाता है। अब इसके बाद नंबर सेकंड पोजीशन पर आता है हमारे पास रेडमी की तरफ से एक बहुत ही कमाल का डिवाइस, जो कि है रेडमी का नोट 9 प्रो मैक्स। इसके अंदर भी हमें प्रीमियम ग्लास बॉडी मिलती है, जिससे कि डिवाइस आपको हाथ में होल्ड करने में सॉलिड भी लगेगा और प्रीमियम भी लगेगा। इसके ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, साथ ही आपको आयर ब्लास्टर मिलता है डिवाइस के अंदर, तो आप इसको एज अ रिमोट कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर मिलता है, जो कि हमारा थर्मल एफिशिएंट पावर एफिशिएंट है, मतलब आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी देगा, डिवाइस आपका हीट नहीं होगा, और उसके साथ बैटरी भी हमारी काफी कम लगती है। इसके साथ 6.67 इंच का हमारा फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है, जिसके अंदर आपको काफी सही कलर्स और ब्राइटनेस मिल जाती है। हालांकि आपको इसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता, लेकिन नॉर्मली यूज करने में आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके 5020mAh की बैटरी या 33W की हमारी फास्ट चार्जिंग है, जिसके अंदर आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिल जाता है डिवाइस के अंदर, और जल्दी से डिवाइस हमारा चार्ज भी हो जाता है। कैमरास की अगर बात करूं तो 32 का हमारा सेल्फी कैमरा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं काफी क्रिस्प हमारे शॉट आते हैं, अच्छी पिक्स आती है, और 64+8+5+2 का क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसमें वाइड एंगल आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का, बुके मोड 5 मेगापिक्सल का, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे काफी अच्छा बैकग्राउंड डिटेलिंग को कैप्चर करता है कैमरा। उसके साथ मैक्रो शॉट हमारा इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन 64 वाले की क्वालिटी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो 15,000 रुपए के प्राइस में रेडमी की तरफ से ये हमारा काफी अच्छा डिवाइस है। अब इसके बाद नंबर फर्स्ट पोजीशन पर आता है हमारे पास रियलमी की तरफ से काफी कमाल का डिवाइस, जो कि है हमारा रियलमी 8। और ये जो इसका डिवाइस का हमारा कलर है सिल्वर, इसमें बहुत ही स्टाइलिश लुक आती है डिवाइस की, जिसमें ये सारे डिवाइसेस से देखने में काफी डिफरेंट सा लग रहा है। इस डिवाइस के अंदर सबसे पहले जो हमें 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, उसको आप सनलाइट में तेज
सनलाइट में भी यूज करेंगे तो आपको डिवाइस के डिस्प्ले में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यूज करने में बढ़िया लगेगा डिस्प्ले आपको कलर्स वाइज ब्राइटनेस वाइज। इसके साथ हमारा हीलियोस G95 प्रोसेसर है जो कि अच्छा गेमिंग सीरीज का प्रोसेसर है, हमारा आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा आपके गेमिंग में भी और आपके नॉर्मली वर्किंग में भी। आपको कहीं पे भी कोई लैग स्टटरिंग या कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, एकदम स्मूथ चलेगी आपकी सारी गेम सारी वर्किंग। इसके अलावा 5000 एमएएच की बैटरी है, 30 वॉट की हमारी चार्जिंग है। डिवाइस के अंदर आपको वन डे का बैटरी बैकअप मिल जाता है आराम से और जल्दी से डिवाइस हमारा चार्ज भी हो जाता है। इसके अलावा कैमरास की अगर मैं बात करूं तो 64+8+2+2 का क्वाड कैमरा सेटअप है, 16 का सेल्फी कैमरा। सेल्फी कैमरा आप देख सकते हैं आपको बढ़िया मिल रहा है अच्छी डिटेलिंग के साथ, आपको प्रोसेसर अच्छा मिलता है तो इमेज प्रोसेसिंग अच्छी मिलती है सेल्फी में भी और बैक कैमरा के पिक्स में भी। आप वाइड एंगल शॉट ले सकते हैं, बुके मोड में पिक्स ले सकते हैं, 64 वाले की भी पिक्स आपको क्वालिटी वाइज काफी सही लगेंगी। कमी यहाँ निकल के आती है कि डिवाइस के अंदर हमें प्लास्टिक बॉडी मिलती है, लेकिन वैसे आपको मतलब हाथों में होल्ड करने में प्रीमियम नहीं लगेगी यूज करने में, लेकिन वैसे देखने में काफी स्टाइलिश लग रहा है डिवाइस। ये जो सिल्वर कलर हमें मिल रहा है एकदम डिफरेंट से लुक दे रहा है, रेनबो शेड आ रहा है इसके अंदर हमारे पास, मतलब दूर से देखने में मतलब जरूर देखेगा मुड़के कि आपने ये कौन सा फोन पकड़ा हुआ है स्टाइलिश सा। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये 15,000 रुपए के प्राइस में हमारा बेस्ट फोन निकल के आता है Realme 8। सो गाइस ये थे हमारे टॉप 5 फोन्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे आपके लिए बाकी की लिस्टें भी आती रहेंगी बाकी के बजट्स की, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर करें प्रेस।